देखिए आज हमारे विद्यालय में शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हमारे विद्यालय में बच्चों के द्वारा नाटक, कहानी, कविता, अंताक्षरी का प्रोग्राम प्रत्येक शनिवार को होता है। आज हमारे स्कूल की लड़कियों ने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। नाटक में पेड़ पौधे जंगलों के काट करके हम मानव जो है उनको विनष्ट कर रहा है, जंगलों को, जिससे उनमें रहने वाले पशु पक्षी सबको बहुत परेशानी हो रही है। वो पशु पक्षी मिलकर के जंगल को कैसे बचाने का प्रयत्न करते हैं, ये इस नाटक में दिखाया गया है। नाटक में अंशिका त्रिवेदी, सीलू और सोनी और तथा उनके साथी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करिए। चलो मित्र, हम लोग पेड़ काटने चलते हैं। चलो चारों तरफ चला। ये अच्छे हैं देखा, ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। चलो हम लोग इनको ही काटते हैं। अरे साथियों, ये क्या देखो, इंसान तो हमारा जंगल काट रहे हैं। अगर ऐसे इंसान जंगल काटते रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। चलो पहले हमें जंगल के राजा के पास चलना चाहिए। नहीं नहीं, अब जंगल के राजा पता क्या फैसला कर बैठे, पहले हमें जंगल के हीरो के पास चलना चाहिए। चलो। अरे तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हीरो हीरो हमें बचाओ, हमें बचाओ। हीरो, इंसान जंगल काट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर कहाँ होगा। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं इंसानों से बात करके जंगल ना काटने की गुजारिश करूँगा। आप सब लोग घर जाइए, मैं सुबह होते ही आऊंगा जंगल में। ठीक है, जल्दी आ जाना। चलो साथियों अपने घर चलते हैं। आज तो काफी अच्छा खाना मिल गया, अब कल हीरो आके सारा फैसला कर देगा। अरे अरे, सुबह हो गई लेकिन हीरो अभी तक नहीं आया। देखो हीरो आ गया, हीरो आ गया। चलो हम सब लोग हीरो के पास जंगल जो जंगल काटते हैं वुड कटर्स उनके पास चलते हैं। नहीं नहीं, आप यही ठहरिए, हम अपने मोर भाई को भेजकर वो इंसानों को बुलवा लेंगे। जाओ मोर भाई, इंसानों को बुला लाओ। ए इंसानों, तुम्हें जंगल के हीरो ने बुलाया है। चलो चलो हम चलते हैं। ए हीरो, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आप लोग जंगल काट रहे हैं और इतनी ठंड हो रही है, तो ये जानवर बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। कहीं भी जाए हमें उससे क्या, हम लोग फूड कटर से, हमारा काम है पेड़ काटना। पेड़ काटना नहीं, आप लोग कुछ दूसरा काम कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही सारे जंगल काट डालेंगे तो पेड़ और इनके परिवार कहाँ जाएंगे, ये सब मर जाएंगे बेचारे। कहीं भी जाए हमें उससे क्या, हम पेड़ काटे हैं। ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी ये जाए। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो फिर ठीक है, पहले सोच लो। अगर आपको बात मेरी माननी है तो मान जाओ, नहीं तो इसका फैसला जंगल का राजा से कर लो। नहीं, हम तो पेड़ काटेंगे। महाराज, शेर महाराज, शांत हो जाइए, इंसान हमारी बात नहीं मान रहे। कृपया करके आप अपने हाथी दोस्तों से कहिए कि इंसानों के घर शहर में तोड़ फोड़ डाले। मेरे प्यारे हाथी दोस्तों, आइए इन मूर्ख इंसानों के घर तोड़ फोड़ डाले। ये हम पर दया नहीं करते हैं, हम क्यों इन इंसानों पर दया करें। हीरो इन्हें रोकती है, देखिए ये लोग हमारे घर तोड़ रहे हैं। कहाँ रोकी है, हम लोग कहाँ रहे हैं? आपको ये पहले सोचना था, जैसे आपने इन सबके घर उजाड़ दिए तो वैसे ही ये लोग बेचारे कहाँ रहेंगे, ऐसे ही ये लोग भी तुम्हारे घर उजाड़ रहे हैं।
हमें हमारी गलती का एहसास होगा, प्लीज तुम सबको रोक लीजिए। मान जाओ, मान साहब मान जाओ, जानवरों रहने तो इनके घर मत छोड़िए, इंसान गलती मान रहे हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है बाबा, तुम इतना ही कह रहे हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं, अगर आइंदा से ऐसी गलती की तो हम भी तुम चाहे जितनी भी माफी मांगे ना, हम नहीं मानेंगे, आज से हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे। ठीक है।